हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको एक न्यू डिज़ाइन का पैरदान बनाना सिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आइए से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें ये 20 फंदे डाले हुए हैं। तो अब इसको हम यहाँ से देखिए, 20 फंदे मैंने इसमें ले लिए, एक सलाई मैंने ये एक रो उल्टी उल्टी बना ली है। यहीं से देखिए इसकी ये शुरुआत होगी। जैसे मैंने यहाँ से 20 फंदे डाले, एक सलाई उल्टी उल्टी बना ली है और ये देखिए एक बना ली। और अब देखिए उसके बाद यहीं से हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से बनाना है। ये देखिए अभी एक सलाई मैंने बनाई हुई है और यहाँ पे एक और बनाएंगे ऐसे ही। देखिए जैसे आप फंदे डाल लें, पहले 20 फंदे डालने के बाद आप इसको एक सलाई बना लें और उसके बाद दूसरी हम देखिए इस तरह से बनाएंगे। ऐसे ही आपको दोनों सलाई ये दोनों रो आपको ऐसे बनानी है उल्टे उल्टे फंदों के साथ। ये देखिए यहाँ से धागा जोड़ना है तो इस तरह से पकड़ के पट्टी और इस तरह से ऐसे इसको मोड़ दें तो ये खुलेगी नहीं ऐसे। और ऐसे ही आप इसको बनाते जाएंगे। ये थोड़ी बहुत अगर वैसी होती है तो इसको इस तरह से दबा दें और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। हम आपको ये बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं, बिल्कुल जिनको बिल्कुल बनाना नहीं आता वो भी आराम से बना लेंगे इसे। बहुत इजी है बनाना इसको। तो ये देखिए लास्ट तक इसको हमने बना लिया है। ये देखिए मैंने 20 फंदे बना लिए इसके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं से हम इसमें ये रेड वाला जो रेड की ये मैंने इस तरह की ये कली सी बनाई है अंदर बाहर से और अंदर ये कली बनाई, उसी तरह से यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दो फंदे बुनेंगे इसे, सिर्फ दो फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए। यहीं से पलट लेंगे इसको और दोनों फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहीं से फिर इसको पलटेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये बना लिया। अब दो फंदे हम और बनाएंगे। ये देखिए अब यहीं से पलटेंगे, फिर इसको हम इसी तरह से बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे मैंने दो बार ये दो दो फंदे बना लिए हैं और अब आप चाहे आप यहाँ पे 40 फंदे डाल लें या 30 फंदे डाल लें, चाहे जितने फंदे डाल लें, उसके बाद दो दो फंदे लेकर आप यहाँ पे दो बार बना लें। बाकी के आपके जो जैसे यहाँ पे अगर 40 डाले हुए हैं तो आपके 36 फंदे बचेंगे। तो 36 फंदे में आपको किस तरह से बनाना है और 20 फंदे में किस तरह, बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना। चार ही फंदे हमें इस तरह से बुनने यहाँ पे, उसके बाद हम इस कलर को लगाएंगे। देखिए दूसरे कलर में दो फंदे बना लेंगे और फिर देखिए इस कलर से ये दो फंदे बनाएंगे और आगे चल के दो फंदे हम यहीं से और जोड़ लेंगे। हमें दो दो फंदे ऐसे ही बनाने हैं। जब यहाँ पे ये चार फंदे हो गए, अगली रो में आएंगे तो दो फंदे हम रेड के बनाएंगे और दो फंदे ये हैं और दो फंदे यहाँ से हम इस फ्रोजी कलर से बना लेंगे। ऐसे ही हमें फंदे ये रेड वाले चार ही रखने हैं। ये वाले फंदे मेरे बढ़ते जाएंगे, ये फंदे हर बार मेरे चार ही रहेंगे, आगे को बढ़ते जाएंगे लेकिन फंदे चार ही रहेंगे। देखिए तो इस तरह से अब इस धागे को पीछे करेंगे और ये वाला अपना धागा आगे लाएंगे और दोनों फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे। अब इसको यहीं से फिर पलटेंगे। अब देखिए दो फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए, ये देखिए अब दो फंदे हम इसमें से और जोड़ लेंगे, ये फंदे मेरे बढ़ते जाएंगे। और ये देखिए अभी दो फंदे हैं यहाँ पे, तो दो फंदे ये बना लेंगे और दो फंदे हम और लेंगे। चार फंदे हो गए, दो फंदे मेरे पहले के हैं, दो और ले लिए, यहीं से इसको पलट लिया। अब देखिए सीधे तरफ से हम
ऐसे बनाएंगे जो जैसे फंदे हैं वैसे ही बनाएंगे। सीधे तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उल्टे तरफ ही ध्यान देना है कि किस तरह से फंदे। फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार फंदे हो गए। अब पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया और चार फंदे ये बनाएंगे हम, और दो फंदे फिर जोड़े। यहाँ पे हमें ये वाले तो फंदे बढ़ाते रहना है और यहाँ पे ये वाले हमें चार ही फंदे रखने हैं। इस तरह आगे को बढ़ते जाएंगे लेकिन रखने चार ही फंदे हैं। इस तरह से ये देखिए चार फंदे फिर बना लिए। जैसे यहाँ पे मेरे देखिए दो दो से ये स्टार्ट है, इस तरह की जब आप बनाएंगे तो ऐसी कली बनेंगी। पहले देखिए फ्रोजी के ये दो फंदे हुए, फिर चार हुए, अब छः हुए। ऐसे देखिए एक यहाँ पे दो फंदे हैं, फिर चार हुए, फिर छः हुए, आठ हुए, दस हुए, ऐसे ही ये कली बनेगी। तो देखिए इसको यहीं से फिर पलटेंगे। सीधे तरफ तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे तरफ जो जैसे फंदे हैं वैसे ही हम बनाते जाएंगे हर बार। इसको यहीं से फिर पलटेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, और उल्टे उल्टे फंदे हम फिर बनाते जाएंगे। दो फंदे हम और ले लेंगे और दो फंदे हम फिर रेड के कर लेंगे। यहीं से फिर पलटेंगे। सीधे तरफ से जो जैसे फंदे हैं उनको हम वैसे ही बनाते जाएंगे। उल्टी रो में ही हमें फंदे चेंज करने हैं इधर उधर। और मेरे चैनल पे बहुत सारे डोरमेट की डिज़ाइन बनी हुई है, हाथ के पंखा की डिज़ाइन बनी हुई है, आप जाकर देखें और अपने घर के लिए बनाएं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे मेरे पैरदान बने हुए हैं। ये देखिए फिर से हम इसी तरह से इसको हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से दो फंदे हम फिर ले लेंगे और दो फंदे मेरे ये पहले से ही हैं और दो फंदे हम रेड के और बनाएंगे, चार फंदे हो जाएंगे। मेरी सिलाई पर सिर्फ चार फंदे ही रहने हैं और ये वाले फंदे फ्रोजी वाले मेरे बढ़ते जाएंगे। फंदे मेरे 20 हैं लेकिन ये डिजाइन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही फंदे इसके आगे बढ़ते जाएंगे, पर फंदे 20 ही रहेंगे, कोई फंदा बढ़ेगा घटेगा नहीं इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट में ये चार फंदे बचे हुए हैं, दो फंदे इस कलर के और दो फंदे रोजी कलर के। तो इसका से हम लास्ट तक इसको बना लेंगे। अब देखिए लास्ट में चार ही फंदे हैं, जैसे हम डिजाइन आगे बढ़ाते गए वैसे ही मेरे फंदे इस तरह की कली आधी ये वाली देखिए यहाँ तक आधी कली ये बन चुकी है। अब यहीं से देखिए इसको सीधे तरफ से तो जो जैसे फंदे हैं उनको हम वैसा ही बनाएंगे, फिर उल्टे तरफ से यहीं से इसकी डिजाइन थोड़ी सी चेंज होगी। तो आप देखिए सीधे तरफ की हमने रो यहाँ पे बना ली है। अब उल्टे साइड से देखिए, अभी तो हम शुरुआत में तो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया और ये फंदे हम बनाते जाएंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार फंदे इसके हैं और दो फंदे ये। तो देखिए, पहले तो हम ऊपर यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ दो दो फंदे आए। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले जो दो फंदे हैं, पहले हमने दो दो करके ऊपर की तरफ लिए थे, अब हम नीचे की तरफ आएंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए, फिर वहाँ से हम नीचे की तरफ ही आए। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से सारे फंदे इस तरह से बन जाएंगे। लास्ट में आपके जब ये चार फंदे बचेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ से अब हम दो फंदे रेड कलर के बना लेंगे। दो फंदे मैंने ये बना लिए और दो हम ये बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे दो फंदे बिना बुने हुए छोड़ देंगे। ये वाले यहीं से इसको पलट लेंगे। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप बिल्कुल इसको आसानी से बना लेंगे। और तो देखिए यहाँ पे हम चार फंदे ये बना लेंगे, यहीं से इसको फिर पलटेंगे और इस तरह से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको फिर यहीं से पलटेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टे उल्टे फंदे इसके हम बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ गए थे, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो दो फंदे हम फिर रेड बना लेंगे। यहाँ पे ये फ्रोजी वाले दो रेड बना लिए, अब दो रेड में से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने दो फंदे पहले बिना बुने हुए छोड़े थे, ये कली इस तरह से घूमेगी, इसलिए हम यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ेंगे। पहले हमने नीचे साइड से दो दो फंदे बनाए थे, अब हम यहाँ से दो दो फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए, दो पहले छोड़ दिए, दो रेड के फिर छोड़ दिए, यहीं से हम इसको फिर पलट लेंगे। इसको यहीं से फिर पलटेंगे, इस वाले धागे को अपनी तरफ लेके, और उल्टे उल्टे फंदे हम फिर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने एक दो तीन चार पाँच छः कली बना ली हैं और ये मेरा पूरा पैरदानी बन के इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहीं से देखिए, इसको हम सिलेंगे, इस तरह से उल्टा कर लेंगे और एक धागा लेंगे और सुई। अब इसको यहाँ से देखिए, इस तरह से हम सिलेंगे, उल्टे तरफ से हम इसको पकड़ लेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल किनारे से। ये देखिए, इस तरह से किनारे पे पहले हम इसको थोड़ा पक्का करके सिलेंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और चैन से चैन ऐसे उठाते हुए इसको हम सिलते जाएंगे। इस तरह से हमने आपको ये सिर्फ सिखाने के लिए बनाया। आप इसको जब डालने के लिए घर पे बनाएं तो आप इसको मजबूती से सिलते जाएं। हम आपको ये इसी तरह से सिल के दिखा रहे हैं। और मजबूत धागा से सिल लें इसको, चाहे तो ऊन से सिल लें या आप कोई मजबूत धागा ले सकते हैं उससे सिल लें। ये देखिए, इसी तरह से सिलते जाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच तक इसको सिलेंगे, फिर बीच में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिलना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीच तक इसको सिल लिया है। अब यहाँ पे ये इस तरह का आपके में ये इस तरह का होल आ जाएगा। तो इस होल को कैसे बंद करना है, ये देखिए जो किनारे हमने एक एक फंदा छोड़ा हुआ था, ऐसे ही हम ये ऐसे इस तरह से ये फंदे उठा लेंगे। दो चैन है जो बनी सी चैन है बनी हुई है, इनको हम इसी तरह से सुई में लेते जाएंगे चारों तरफ से। इसकी ये चैन है, आप चाहें तो इनको एक साथ पकड़ के बंद कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से ऐसी चैन है उठा लें इस चारों तरफ से इसकी। और देखिए इसको खींच दें, धागे को इस तरह से खींच दें। जब खींचेंगे तो ये फंदे बंद हो जाएंगे और इनको टाइट करके पक्का कर देना है इस तरह से। खींच खींच थोड़े थोड़े दोनों चारों तरफ से इनको दबा दबा के ऐसे एक दूसरे में सिल देना है। तो ये खुलेगी भी नहीं और देखने में भी अच्छी लगेगी। बीच में ये होल भी इसका बंद हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा पैरदान बना लिया है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, ये 6 कली का पायदान बना हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।